भैरवा महासभा एवं तमाम दलित संगठनों संघ मजदूर के ऊपर डॉक्टर द्वारा कराई गई झूठी रिपोर्ट को निरस्त कराने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया, जहां ज्ञापन के पूर्व भैरवा महासभा की एक बैठक भैरवा धर्मशाला पर आयोजित हुई, जहां बैठक उपरांत 2 सैकड़ा के लगभग भैरवा महासभा के कार्यकर्ता बाइक रैली के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां जमकर भैरवा महासभा के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए मजदूर गिरिराज भैरवा पर की गई फर्जी FIR को निरस्त किए जाने की मांग की। वहीं पुलिस अधीक्षक के नाम तहसीलदार को एक ज्ञापन भी सौंपा गया। वहीं ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि प्रार्थी ग्राम नगदी का निवासी होकर अनुसूचित जाति के सदस्य होने से गरीब मजदूर व्यक्ति है। प्रार्थी दिनांक 17 मार्च 2023 को जिला अस्पताल श्योपुर में पुताई का कार्य कर रहा था, तभी प्रार्थी के पास डॉक्टर GK गोयल द्वारा प्रार्थी से गिरिराज भैरवा के कार्य पुताई करने की बात की गई। तब प्रार्थी गिरिराज भैरव द्वारा बताया गया कि अपने ठेकेदार से बात की, आप ठेकेदार कहते हैं तो मैं आपके कमरे की पुताई कर दूंगा। इसी बात को लेकर डॉक्टर GK गोयल द्वारा गिरिराज भैरवा को थप्पड़ मार दिया गया और कलर की बाल्टी में लात मार कर जाति सूचक शब्दों का उपयोग करके गंदी गंदी गालियां दी गई तथा अपराधी के गोयल द्वारा ये जानते हुए कि प्रार्थी गिरिराज भैरवा अनुसूचित जाति का सदस्य है उक्त घटना की रिपोर्ट प्रार्थी ने पुलिस थाना आजाक श्योपुर में की थी, किंतु पुलिस द्वारा अपराधी GK गोयल के विरुद्ध 3 दिन बाद SC ST एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। घटना से बचने के लिए आरोपी डॉक्टर GK गोयल द्वारा फर्जी गिरिराज भैरवा के विरुद्ध पुलिस थाना कोतवाली द्वारा अपराध पंजीबद्ध करा दिया है, जबकि प्रार्थी गिरिराज भैरवा ने आरोपी डॉक्टर GK गोयल के साथ कोई आपराधिक घटना नहीं की है। आरोपी डॉक्टर GK गोयल द्वारा प्रार्थी गिरिराज भैरवा को झूठा फंसाया गया है, इसलिए उक्त घटना की निष्पक्ष जांच की जाए। क्या मामला है और किस मामले को लेकर के यहाँ ज्ञापन देने आप यहाँ पहुंचे? मामला यह है कि एक गरीब मजदूर लड़का था भैरवा समाज से नगदी का रहने वाला, तो वहाँ पे डॉक्टर में अस्पताल जो है पुताई उताई कर रहा था, तो डॉक्टर जो है जाते सोचे उसने शब्द गाली निकाली और जो है उसकी मारपीट करी, जो उसके विरोध में जो है उस लड़के ने SC ST एक्ट में अजाक थाने में जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके विरुद्ध में जो GK गोल्ड डॉक्टर है जो जिला चिकित्सालय में पदस्थ है, तो उसने झूठी FIR जो है कोतवाली में करवाई उस लड़के के नाम पे, जो कि सरासर झूठी है, जो बिना जांच के FIR हुई है। हम उस झूठी जांच के खिलाफ जो है यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और हम यहाँ पे अगर हमें होगा तो हम यहाँ धरना प्रदर्शन भी करेंगे और हम उस झूठी जांच के झूठी जो रिपोर्ट दर्ज कराई उसकी हम जांच की मांग करेंगे और अगर फिर भी नहीं होगा तो हम भोपाल जाएंगे, भोपाल से भी नहीं होगा तो हम दिल्ली जाएंगे, पर हम उस गिरिराज भैरवा नाम के जो युवक एक भैरवा समाज से दलित समाज से उसको हम जरूर न्याय दिलाएंगे और इसको हम आगे तक पहुंचाएंगे और दलित एकता जिंदाबाद, जय भीम। कौन कौन से संगठन यहाँ समर्थन में उतरे हैं गिरिराज को लेकर के, गिरिराज के मामले को लेकर के? हमारे जो साथ में है OBC महासभा हमारे समर्थन में है, भैरवा महासभा हमारे समर्थन में है, खटीक महासभा हमारे समर्थन में है, वाल्मीकि एकता मंच हमारे साथ में है और जो है मीणा महासभा हमारे समर्थन में है और जो भी दलित संगठन है वो सब हमारे समर्थन में है। दलितों की एकता अगर इस तरह साथ रहे, इस तरह सामूहिक रहे, तो किसी दिन एक बड़ी क्रांति उग्र होकर आएगी और शोपुर में बदलाव जरूर आएगा, क्योंकि जो तानाशाही सरकार है तानाशाही सरकार को बदलने के लिए हम ये प्रयास कर रहे हैं। सब साथ में रहे, अगर दलित एक साथ रहेगा तो बदलाव निश्चित होगा। आप यहाँ ज्ञापन देंगे और ज्ञापन देने के बाद भी अगर मान लीजिए कि मामले में जांच होकर के निष्पक्ष मामला नहीं बनता है तो क्या करेंगे आप लोग? हम प्रशासन को 3 दिन का समय देंगे जांच के लिए, अगर 3 दिन बाद में यदि कोई जांच पूर्ण नहीं हो पाती है या कार्रवाई नहीं हो पाती है, उसकी पुष्टि नहीं हो पाती है, तो हम धरना प्रदर्शन करेंगे, हम भूगड़ताल में बैठेंगे, भूगड़ताल बैठने के बाद में जो है हम अनशन पे ही बैठेंगे, पर अब इसकी जांच करवाएंगे और हम गिरिराज भैरवा को जरूर न्याय दिलवाएंगे। जय भीम।